हेलो दोस्तों, मैं अजय रतन पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। और हमारा आज का टॉपिक है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ हम करते हैं ताकि हम अपने डाटा को सीरियलाइज कर सकें और नंबर्स और करेक्टर की बजाय कोई स्पेशल सिंबल हम सीरियलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकें। तो जब मैं अनऑर्डर लिस्ट पे वर्किंग को परफॉर्म करता हूँ, मेरे पास तीन तरह के टाइप होते हैं। डिस्क डिस्क जो डिफ़ॉल्ट टाइप रहता है, यानी कि अगर हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अपना कोई भी टाइप नहीं देते हैं तो वो आपको डिस्क के थ्रू परफॉर्म करवाएगा। सर्कल सर्कल यहाँ पर आप जो है वो सर्कल के तौर पर यूज़ करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के आगे सर्कल का सिंबल आ जाएगा। स्केयर स्केयर के अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट में स्केयर सिंबल को फॉलो करते हैं। यदि हम अनऑर्डर लिस्ट में किसी भी सिंबल को यूज़ नहीं करना चाहते तो हम लिस्ट आइटम में नन को यूज़ कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि अब आपकी लिस्ट के अंदर कोई भी सिंबल यूज़ नहीं होगा, सिंपल आपकी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैंने यूएल टैग लिया, एलआई टैग लिया। एलआई टैग में बेसिक्स, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, इनको फॉलो किया और जो इसकी आउटपुट है वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है कि आपके सामने डिस्क का सिंबल है बेसिक्स, वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग में। तो इसी को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में करते हैं और ये देखते हैं कि अगर हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो हमें क्या आउटपुट इसकी रिप्रेजेंट होती है। तो अब हम यहाँ अनऑर्डर लिस्ट के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन को देखते हैं। मैंने सबसे पहले आपका यूएल टैग लिया। यूएल टैग के अंदर यूएल टैग को मैं क्लोज करता हूँ, लिस्ट आइटम को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ, जो भी मैंने इसके अंदर डाटा यूज़ करना है। अगेन मैंने लिस्ट टैग को यूज़ किया, अदर डिस्क्रिप्शन। अपने प्रोग्राम को सेव किया, आउटपुट पेज पर गया, F5 किया। तो आप देखिए ये डिस्क टाइप मुझे यहाँ पर परफॉर्म होके रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है कि डिस्क के अंदर मेरा डाटा कैसा डिस्प्ले होगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर स्केयर को यूज़ करता हूँ। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है। वैसे ये इन्वर्टेड कॉमास कंपलसरी नहीं होते हैं HTML में, लेकिन एक प्रोग्राम के सीक्वेंस को बनाए रखने के लिए आप इनका यूज़ करते हो। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरह से मेरे स्केयर पे इफेक्ट पड़ा है। ये मैं आपको स्केयर का इफेक्ट दिखा रहा हूँ। इसी तरह से मैं अब आपको अगेन डिस्क और सर्कल का इफेक्ट दिखा देता हूँ कि डिस्क में क्या होगा। वैसे तो अगर आप
टाइप नहीं यूज़ करते हो तो वो डिस्क ऑपरेशन को ही परफॉर्म करता है, और आपके सामने जो भी आउटपुट होगी वो डिस्क वाली ही आएगी। ये मैंने प्रोग्राम को रिलोड कर दिया अपने को, ये देखिए डिस्क के अंदर मेरी आउटपुट मेरे सामने रिप्रेजेंट हो रही है। अब अगर डिस्क हमारी राउंड के अंदर है, स्केयर हमारा हो गया, तो सर्कल के अंदर क्या होगा? क्योंकि अभी तक हमारे माइंड में एक ही चीज़ थी कि अगर शेप राउंडेड है तो वो सर्कल है। तो सर्कल और डिस्क में क्या डिफरेंस है? जब आप डिस्क का यूज़ करते हो तो आपका ओवरऑल ब्लैक फील्ड कलर आता है आपकी शेप के अंदर या सर्कल के अंदर आप कह सकते हो, लेकिन जब आप सर्कल कीवर्ड का यूज़ करोगे तो क्या इफेक्ट होगा वो हम देखते हैं। सर्कल सेव, ये देखिए सिर्फ बाउंड्री फील्ड है, बाकी सारा का सारा एरिया आपका प्लेन है। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों टाइप्स के बारे में डिस्प्ले कर दिया कि बेसिक्स अगर हम राउंडेड के साथ लेते हैं तब क्या होगा, अगर हम सर्कल के साथ लेते हैं तब क्या होगा, स्क्वायर के साथ क्या होगा। तो मैं इसी को हल्का सा कॉपी कर लेता हूँ और आपको तीनों के तीनों इफेक्ट में यहाँ पर दिखा देता हूँ एक साथ। डिस्क स्केयर प्रोग्राम को मैंने सेव किया, अपने ब्राउजर के ऊपर गया, प्रोग्राम को रिलोड किया, तो ये देखिए सबसे पहले आपका सर्कल है, डिस्क है, स्केयर है। तो तीनों तरह के एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंटेड हैं। अगर मैं इसको हल्का सा छोटा फॉन्ट कर दूं, देखिए फॉन्ट छोटा हो चुका है और आप इन चीज़ों को इजीली देख पा रहे हो कि किस तरह से कौन सा इफेक्ट मेरा क्या जा रहा है। तो हमारे आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।